हाउ डू यू व्यू मैरिज? यार शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरी नज़र में, और बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता है. और शादी मेरी अभी हुई तो नहीं है खैर, लेकिन मुझे लगता है उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं. ट्रू, बहुत कुछ चीज़ें अपने आप को कभी आपको अपने आप को छोड़कर दूसरों का सोचना पड़ता है. तो शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता है. मैं तो अल्लाह ने जब चाहा, जब मेरे नसीब में लिखा हुआ, मैं तो ज़रूर शादी करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह. लेकिन हाँ, मैंने देखा है यार कि कुछ शादियाँ बहुत अच्छी भी चलती हैं, कुछ अच्छी नहीं भी चलती हैं. हर जगह होता है, हर रिलेशन में होता है. तो आप अभी भी अभी तक पॉजिटिव? मुझे इसलिए मैं पूछी थी बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा उसका ना इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज में थोड़ा ट्रस्ट कम हो गया है. वो नहीं करना चाहते, वो डर गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स आपको आसपास नज़र आती हैं, या उन्होंने अपने माँ बाप के रिलेशनशिप को जिस तरीके से ठीक है. शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए. जो आजकल के लोगों को दो दिन में प्यार और चार दिन में शादी हो जाती है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता. शादी के लिए आपको अपने एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे पे यकीन, भरोसा. और मेरे ख्याल से नहीं समझ आ रहा मुझे इसका कि मैं क्या बोलूँ. नहीं, आपने बिल्कुल सही बोल दिया है, बहुत अच्छा बोला है आपने कि यू नीड टू टेक टाइम. हाँ, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है शादी, क्योंकि शादी दो दिन नहीं गुजारने, आपने पूरी उम्र साथ गुजारनी है. ये बहुत मुश्किल है कि आपने सारी उम्र एक आदमी के साथ गुजारनी है, एक औरत के साथ गुजारनी है. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस सोच समझ के करें. हाँ, इसको बहुत सोच समझ कर करें, इसमें कोई जल्दी नहीं करें. और ये भी सोच लें कि आपको भी थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ेगा शायद. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है, व्हेन यू आर रेडी टू डू दैट, आई थिंक बॉस चेंज तो होना पड़ेगा. तो आप हो जाएंगी तन्हाई में, किसी को ऐड कर लेंगी? मैं ये सोच रही हूँ उससे क्या होगा. पता नहीं क्या होगा, देखेंगे उस टाइम क्या होता है. अभी तो खैर इस बारे में कुछ सोचा नहीं है. तो जब होगी, जब अल्लाह ताला ने लिखा होगा, तब तो कर ही लेंगे. तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई जिसकी वजह से आपको कभी सोचना पड़ा या कुछ? ये घुमा फिरा के आपने ऐसा सवाल पूछा है? जस्ट आस्किंग. आई थी बट मना कर दिया. नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं. नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं आई हो. हाँ आई हैं, लेकिन देखें क्या होता है. Who you are considering? आपने खुद ही कहा, आप सोचिए, अभी प्रोसेस में है उसे. तो हम जल्दी कुछ गुड न्यूज़ सुनेंगे फिर. ओके, मैं उनको मजाक कर रही थी, टीज कर रही थी. आई स्टॉप हियर. कभी कभी आ रहा है कि मैं बोलूं क्या, हाँ बोलूं ना बोलूं. अगर मैं ना बोलूंगी तो वहां से फंस जाऊंगी, अगर हाँ बोलूंगी तो यहाँ. ओह माय गॉडनेस, एक्चुअली कुछ हो रहा है इसका मतलब है. ओके, क्लोज 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 चैप्टर. वी विल वेट फॉर द न्यूज इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए, परफ्यूम्स का क्या चक्कर है भाई? वो कब से आपको शौक डेवलप हुआ? इस वक्त कितने परफ्यूम्स हैं? कैन आई टेक अ गेस? 25? हाँ, मेरे ड्रेसिंग टेबल पे 10-15 तो पड़े होंगे. ओके, मैं 50 बोलने वाली थी, मैंने कहा चनी रावे थोड़ा कम खेलो. और मेरे ख्याल से 10-15 ही मेरे अभी स्टॉक में पड़े होंगे. सो 30 तो हो गए. हाँ, 30 तो. वाओ, सो यू पूरी कैबिनेट. अच्छा, आई यू द काइंड वो जो पैकेजिंग भी लेके रखती है और वो फेंक सकते नहीं है, पैकेजिंग भी बहुत अरसे तक नहीं. मैं सबसे पहले जब मैं परफ्यूम लेती हूँ तो सबसे पहले उसका जो डब्बा होता है वो उठा के फेंक देती हूँ. ओह ओके. क्योंकि मुझे जो वो बॉटल है ना, मुझे वो देखनी है, मुझे उस डब्बे से कोई इंटरेस्ट नहीं. सो ये बचपन से था इतना ज़्यादा, या फिर ये अब आके जब आप इतना माशाल्लाह से यू बिकम इंडिपेंडेंट तो आप लगा रही हैं क्रेडिट कार्ड? शुरू में अम्मी मुझे ले ही ना दें इतनी सारी, इसीलिए मुझे अम्मा पापा क्या कहते होते यू नो. नहीं, तब तो खैर तब तो नहीं था, ये अब आकर हुआ है 4-5 सालों से. तो अब तो मैं बहुत पैसे इस पे ज़ाया करती हूँ यकीन जाने. और मुझे पता नहीं लोगों को ये बात कैसी लगेगी, मुझे सस्ते परफ्यूम्स बिल्कुल पसंद नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय सस्ते ये पता नहीं क्या है, मतलब आप परफ्यूम की स्मेल से ज्यादा उसके पैसों को देखती हैं? नहीं, स्मेल में डिफरेंस होता है राबिया, स्मेल्स में डिफरेंस होता है. जो आप 4-5 हज़ार, मैं तंग कर रही थी आपको. यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस. उसकी कंसिस्टेंसी में भी फर्क होता है, तो इट लास्ट्स लॉन्गर. वो सब चीजें सारे बड़े उसमें फैक्टर्स होते हैं. तो ये महंगी सस्ती के पीछे ये है कि जितनी अच्छी परफ्यूम्स हैं वो महंगी ही हैं, या जो सस्ती हैं मुझे अच्छी नहीं लगती. पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ऐसा ही है. सो व्हाट्स योर फेवरेट परफ्यूम? शनैल.
शनैल के जितनी भी कलेक्शन है मेरे पास पड़ी हुई है, पड़ी होती है सब। तो मतलब किसी को तोहफा देना है आपको तो पता है कि यार ये तो सेफ है, ये तो बस खुशी होगी। कौन तोहफा देगा, मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं, ना दोस्त है ना वो जिनका आप सोच रही है ना, भी जिनको आप ना यहाँ भी अभी नहीं हमारे सामने बोल सकती कि उधर से भी फंस जाएंगी, उनको पता है, उनको पता है उनको पता है चलिए ओके दैट्स गुड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पता है ना, तो ये अच्छी बात है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, कुछ गोल है, और आर यू द काइंड ऑफ पर्सन जो जो एक दिन को गुजारती है फिर सोचती है देखी जाएगी? यार मैं जितनी भी प्लानिंग्स करती हूँ वैसा तो होता नहीं है। तो मैंने अभी ज़िंदगी में एक चीज़ ये सीखी है कि आप प्लानिंग्स करना छोड़ दें, क्योंकि एंड में ना सब खली वली हो जाता है और होना वही होता है जो अल्लाह ने प्लान किया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच प्लानिंग जब भी करती हूँ ना दिमाग ख़राब हो जाता है। प्लानिंग नहीं, मेरा मैं ये पूछना चाहती हूँ ख्वाहिश क्या है आयज़ा की, कि वो क्या सोचती है? वो सोचती है कि मैं इतनी फिल्म, मैं फिल्म की टॉप एक्ट्रेस होंगी, या मेरे मैं इतने ड्रामे कर चुकी होंगी, या मैं यही होंगी, यही काम कर रही होंगी, और मैं ख्वाहिश है मेरी कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, शायद फिल्म्स कर लूँ, शायद बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास दे दूँ, यही कर रही होंगी। शौक है आपको गाने वाने का और डांस करने का फिल्म में, तो फिर ये सब करना पड़ेगा। आर यू कंफर्टेबल डूइंग दैट? हाँ ओके, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ उसका मैं गाना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरे सुर कहेंगे कहीं मैं ऐसा टॉर्चर देती हूँ ना ऐसा टॉर्चर किस चीज़ पे? मैं सेट पे भी मैंने शहजाद शेख को जितने गाने सुनाए हैं, सुना दिया आपने, हाँ ओहो, मैंने अपने एडीज को जितने गाने सुनाए हैं, और इतने कोई बुरे सुनाए हैं कि अगर मैं आपको 2 मिनट वो सुना दूँ ना, मुझे सुनना है, नहीं सुना, नहीं सुना देना नहीं 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 वो मैं जानबूझ के इतना बुरा और बेसुरा गाती हूँ कि वो कहते हैं ऐसा तुम्हें खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ। ऐसा मैं आपकी बात पे यकीन नहीं कर सकती जब तक आप मुझे नहीं ना नहीं करें प्रैक्टिकल करके ना दिखाएं, नहीं करें, नहीं नहीं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे चल रही होगी मेरी खूबसूरत आवाज तो यू आर ओके विद इट ना? नहीं नहीं ओके चले ठीक है। इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म, कास्टिंग काउच, ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती है, हैव यू एक्सपीरियंस्ड? फेवरेटिज्म तो है, सबको पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, होता है हर फील्ड में, होता है हर जगह होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है। कास्टिंग काउच का जहाँ तक कहेंगे, अगेन वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, होता होगा, हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है। आप हमारे घर में जो काम करने आती हैं मेड्स, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किस्से बताए कि मैं कहती हूँ ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हो सकता है। तो सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं है, मुझे आज तक ऐसा कभी किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। ओके गुड, मुझे कभी नहीं करना पड़ा, लेकिन ये हर जगह पे होता है, हर जगह पे बुरे और अच्छे इंसान होते हैं।